Hello everyone, in the series of Patent Act 1970, now we are going to discuss the section that is section 11A, that is publication of application. कि जब आप कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जो कि सेक्शन 6, 7, 8, 9 में बात करी हुई है, आप उस एप्लीकेशन को जब फाइल कर देते हैं, तो उस एप्लीकेशन फाइल करने के बाद उसका पब्लिश होना कैसे जरूरी है, कौन पब्लिश करेगा या फिर कैसे पब्लिश होती है, उसके बारे में बात करी सेक्शन 11A में पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, जो कि 2002 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन. इसमें बात करी है कि जो एप्लीकेंट होता है, जिसने एप्लीकेशन फाइल होती है, उसकी जो एप्लीकेशन है वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी. जनरल पब्लिक का मतलब है कि जो जनरल लोग हैं उन लोगों के लिए एप्लीकेशन खुल जाती है, उन लोगों को वो जाके एप्लीकेशन देख सकते हैं. पेटेंट ऑफिस होता है वहाँ पे, हर एक सिटी में हर एक जगह पेटेंट ऑफिस होता है, तो वहाँ पे जाके वो एप्लीकेशन देख सकते हैं किसके लिए कोई नया पेटेंट जो आ रहा है उसकी एप्लीकेशन क्या है. उसके बाद इसमें बात करी है कि जो एप्लीकेंट है, एक प्रिस्क्राइब मैनर जो कि रूल्स में बता रखा हुआ है, कि आप उस मैनर के अंदर आप कंट्रोलर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो मैंने एप्लीकेशन दी है, जो एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी है, उसको पब्लिश करें बिना टाइम को एक्सपायर करते हुए. जो टाइम एप्लीकेशन का पब्लिश होने का दिया है, उससे पहले वो पब्लिश हो जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं तो उसके पब्लिकेशन के लिए टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम बाद ही पब्लिश की जाएगी. क्योंकि उसका पब्लिकेशन का टाइम इसलिए दिया जाता है कि क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन में आपको कुछ ऐड करना है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में अगर आपको कुछ ऐड करना होता है, तो आप उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप उसको ऐड कर सकते हैं. तो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, तो उस टाइम पीरियड में अगर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, एग्जामिनर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जो कंट्रोलर है उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मैं मेरी एप्लीकेशन में कुछ ऐड करना नहीं चाहता हूँ, मेरा जो प्रिस्क्राइब मैनर है उसमें लिखना पड़ेगा, और उसको बताना पड़ेगा कि जो मैंने आपको एप्लीकेशन दी आप उसको पब्लिश कर दीजिए. तो जब पब्लिश हो जाएगी तो ये जनरल पब्लिक की नॉलेज में आ जाएगी, जनरल पब्लिक इसको जाके लोग देख सकते हैं. एक प्रिस्क्राइब फीस होती है, उसमें पेमेंट करने के बाद लोग उसको देख सकते हैं. फिर इसके सब क्लॉज 3 में बात करिए कि कौन कौन सी जो ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो पब्लिश नहीं होगी पब्लिकेशन जो डेट है उससे पहले भी. तो इसमें बता रखा है कि पब्लिकेशन डेट से पहले भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो पब्लिकेशन डेट के बाद भी कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो पब्लिश नहीं होती हैं, तो उसमें इसमें एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें. तो अगर कोई एप्लीकेशन जो सीक्रेसी मैटर से डील करती है, सीक्रेसी मैटर जो कि सेक्शन 35 और उसके आगे जो सेक्शन से उन्होंने बता रखा है कि कोई सीक्रेसी वाली एप्लीकेशन होती है, तो उसको पब्लिकेशन जो डेट होगी वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए. जैसा कि उसमें लिखा हुआ है, वो या तो सीक्रेसी जो टाइम पीरियड है उसका ख़त्म होने के बाद, या फिर जो पब्लिकेशन की डेट होनी चाहिए एक्चुअल उसके ख़त्म होने के बाद, और उन दोनों में से जो भी लेटर जो भी बाद वाली होगी उस पर उसका पब्लिकेशन होना चाहिए सीक्रेसी एप्लीकेशन का. फिर उसमें पता रखा है आगे कि जब कोई एक एप्लीकेशन अगर अबंडन हो जाती है, जो मतलब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो फाइल करना था आपने वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल नहीं करा है, तो वो अबंडन मानी जाएगी. तो अबंडन अगर हो जाएगी एप्लीकेशन तो पब्लिश नहीं होगी. और तीसरी इसमें बात बता रखी है कि अगर आपने 3 महीने के अंदर अंदर विदड्रॉ कर ली, विद इन 3 मंथ्स, मतलब जो आपका टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड में आपके एप्लीकेशन को पब्लिश करना था, उस टाइम पीरियड के ख़त्म होने से पहले आपने 3 महीने पहले आपने उस एप्लीकेशन को विड्रॉल कर ली. सपोज मान लीजिए अगर 1/1/2019 को आपने कोई एप्लीकेशन फाइल करी है, उसके साथ प्रोविजनल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लगा दिए हैं, आपके पास डेट आई है कि 1/1/2020, मतलब एक साल बाद आपकी एप्लीकेशन पब्लिश की जाएगी. तो अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन में कुछ खराबी है, या फिर आपको लगता है कोई राइट इंफ्रिंज हो रहा है, किसी और का राइट इंफ्रिंज हो रहा है आपकी एप्लीकेशन से, तो आप आपकी एप्लीकेशन को विड्रॉल कर सकते हैं. विड्रॉल करने के लिए आप एप्लीकेशन लिख देंगे और विड्रॉल आपकी मानी जाएगी 3 महीने पहले तक आप विड्रॉल कर सकते हैं. 3 महीने विड्रॉल तक पहले मतलब ये है कि जो 2019 का जो सितंबर अक्टूबर का मंथ है उसमें आपको उस तक आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉल कर सकते हैं. उसके बाद इसमें बात करी है कि जब आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसमें आपका जो जो नाम जो जो चीज़ लोगों को नॉलेज में आएगी वो आएगी कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपने क्या चीज़ के लिए एप्लीकेशन फाइल करी, वो सब्जेक्ट और उसका एब्स्ट्रैक्ट जो भी आपने मैटर उसमें लिख के दिया है वो सारा. उसके बाद इसके सब क्लॉज जो 6 है, सबसेक्शन 6 है, उसमें ये बात करी है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं पेटेंट की, तो उसमें अगर आप कोई बायोलॉजिकल मटेरियल यूज़ ले रहे हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आप जिसके ऊपर आप पेटेंट लेना चाह रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2AB बुदापेस्ट ट्रीटी, जो कि 28 अप्रैल 1977 को एक ट्रीटी हुई थी बुदापेस्ट ट्रीटी, उसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आप उस पर पेटेंट लेना चाहते हो तो आपको उसको डिपॉजिट करवाना जरूरी है. तो आप अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पेटेंट ले रहे हैं तो उसको आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा. फिर इसमें बात करिए कि अगर आपने कोई ड्राइंग है या फिर कोई अदर स्पेसिफिकेशन है,
तो ये भी जनरल पब्लिक को दिखाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक प्रिस्क्राइब फीस होती है, जो प्रिस्क्राइब फीस जो भी पब्लिक जो भी लोग देखना चाहते हैं उनको पेड करनी पड़ेगी, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट या कोई ड्राइंग जो कोई स्पेसिफिकेशन है उसकी पेमेंट के लिए। फिर इसमें बता रखा है कि जो भी राइट जो पेटेंटी होगा जिसको ग्रांट करने के बाद एप्लीकेशन, जब पेटेंट किसी को मिल जाता है, जिस दिन पेटेंट किसी को ग्रांट हो जाता है तो उसके पास उस दिन उसका एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है उस पेटेंट का। तो जब तक ग्रांट नहीं हो रहा है और जिस दिन एप्लीकेशन पब्लिश हो चुकी है उसके बीच में जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में भी उस पर्सन का ऐसे माना जाएगा कि उसके पास वो सारे राइट्स और वो सारे प्रिविलेज हैं जो एक पेटेंट वाले को, एक पेटेंटी को मिलते हैं जिसका पेटेंट ग्रांट हो चुका होता है। ये सेक्शन 11 में बात करी है पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। थैंक यू।